क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स के बारे में। उसमें हमने प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, मतलब प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले, इंक्रीज करने वाले हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिबरेलिन एंड थर्ड इज दी साइटोकाइनिन। आज हम बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, जो प्लांट की ग्रोथ को मेनली इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। आज हम बात करेंगे उन हॉर्मोन्स के बारे में। तो प्लांट इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स में मेनली 2 टाइप के मैंने आपको हॉर्मोन्स बताए थे। फर्स्ट इज इथाइलिन एंड सेकेंड इज दी एब्सेसिक एसिड, जिसको हम ABAC भी डिनोट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड की, कि ये मेनली प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं, ये मेनली प्लांट को कैसे अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इथाइलिन हार्मोन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की कि इथाइलिन हार्मोन मेनली किस किस में अपना रोल प्ले करता है, इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है। तो इथाइलिन हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें, जितने भी फाइटो हार्मोन्स है, जितने भी प्लांट हार्मोन्स है, उसमें सिर्फ इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं ओनली गैसियस हार्मोन, सिर्फ एक इथाइलिन हार्मोन ही ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में, जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और जो बाकी हॉर्मोन्स है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, आप आगे पढ़ोगे एब्सेसिक एसिड, ये सारे हॉर्मोन्स आपको लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं मेनली। और जो एक इथाइलिन ऐसा हॉर्मोन है जो मेनली गैसियस फॉर्म में, गैस की ही, मतलब गैसियस एक हॉर्मोन है जो गैस की ही फॉर्म में मेनली पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेनली इसकी फंक्शंस की, कि अब हाँ एक हम बात करें इसके प्रीकर्सर के बारे में। जैसे हमने ऑक्सिन के प्रीकर्सर की बात की थी, ऐसे ही इसका प्रीकर्सर कौन है, किससे ये ओरिजिनेट हुआ है, किससे ये अराइज हुआ है। तो इथाइलिन का प्रीकर्सर कौन है, इसका प्रीकर्सर है मिथियोनिन अमाइनो एसिड। मिथियोनिन अमाइनो एसिड किसका प्रीकर्सर है, इथाइलिन हार्मोन का। हमने ये तो बात की कि ये गैसियस हार्मोन है और इसका प्रीकर्सर कौन है। अब हम बात करते हैं ये मेनली कैसे कैसे प्लांट को इफेक्ट करता है, कैसे कैसे प्लांट को ये मेनली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है, इट शोज ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या शो करता है ये, ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ट्रिपल का मतलब है 3, और 3 रिस्पॉन्स इथाइलिन के द्वारा, कौन कौन से 3 रिस्पॉन्स है जो मेनली शो करता है इथाइलिन। ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को लोंगिट्यूडनल ना करके, लोंगिट्यूडनल का मतलब है ऊपर की साइड, सूट की साइड कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, लोंगिट्यूडनली प्लांट को ग्रो ना करा के उसको ट्रांसवर्स पोर्शन में क्या कराने लग जाता है, प्लांट को ग्रो कराने लग जाता है। तो इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो ये क्या कराता है मेनली, जो ट्रांसवर्स जो सेक्शन है प्लांट का, जो स्टेम है, वो क्या होने लग जाती है, ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि कोई प्लांट है वो सीधा ग्रो ना करके साइड में ग्रो करेगा तो उसकी स्टेम की थिकनेस तो इंक्रीज होगी। तो इसके ट्रिपल रिस्पॉन्स में फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, थिकनिंग ऑफ स्टेम ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स सेक्शन में साइड में क्या हो जाना, स्टेम की थिकनेस इंक्रीज हो जाना। अब उसके अलावा सेकंड इसने क्या किया, जो लॉन्गिट्यूडनली जो ये इंक्रीज कर रहा था उसको इसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ
प्लांट लोंगिट्यूडिनली ग्रो ना करके कैसे ग्रो करेगा? ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स सेक्शन में ट्रांसवर्सली क्या करने लग जाएगा, प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। जैसे कि कोई भी पर्सन है, अगर वो मान लो सपोज करो एग इज एग्जांपल, कोई भी पर्सन है वो ज्यादा मोटा है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो आपको उसकी हाइट छोटी दिखती जाएगी ना, क्योंकि वो साइड में इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ही क्या है प्लांट में है कि उसकी थिकनिंग है स्टेम की वो इंक्रीज हो गई, तो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ग्रोथ है, वो लोंगिट्यूडिनली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई प्लांट है वो साइड में क्या करने लग गया, ग्रो करने लग गया, उसकी साइड में थिकनेस इंक्रीज होने लग गई, तो अब वो क्या करने लग जाएगा, बेंड करने लग जाएगा साइड में। अब साइड में जिस तरफ भी उसकी थिकनेस बढ़ेगी, जिस पोर्शन में भी उसकी जो भी जहां पे भी उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, उसी पोर्शन में वो क्या करने लग जाएगा, बेंड करने लग जाएगा। तो उसका थर्ड रिस्पॉन्स क्या आएगा, बेंडिंग, ठीक है। तो मेनली बेंडिंग ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का मतलब होता है ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो हाइपोकोटाइल का क्या होने लग जाएगी, बेंडिंग होने लग जाएगी। तो इथाइलिन हार्मोन ये तीन रिस्पॉन्स क्या करता है, मेनली शो करता है, इसलिए हम लोग इथाइलिन को ट्रिपल हार्मोन, ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया इथाइलिन मेनली क्या क्या रोल प्ले करता है, इथाइलिन किस किस में हेल्प करता है, उसके बाद ये किस में रोल प्ले करता है, हम वो देखते हैं। ये तो हमने इसका पढ़ा ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में, और उसके अलावा ये रोल प्ले करता है फ्रूट राइपनिंग में, हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट्स को पकाने में, उसको पकाने में क्या करता है मेनली इथाइलिन जो गैसियस हार्मोन है वो रोल प्ले करता है। जैसे काफी बार आपने देखा होगा कि एक फ्रूट है अगर वो ज्यादा पका हुआ है और आपने अगर उसको किसी कच्चे फ्रूट के पास रख दिया तो वो बहुत जल्दी पक जाता है, बिकॉज इट इज अ गैसियस हार्मोन। ये गैस के फॉर्म में क्या होता है, अपने आप को सर्कुलेट करता है आउट साइड में भी, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो जल्दी पक जाता है, जो साइड जो एक राइप फ्रूट है उसके बगल में जो फ्रूट रखा हुआ है वो भी जल्दी से क्या हो जाता है, पक जाता है। ऐसे जैसे कि गांव में या फिर जो भी आपके नगर शहर कस्बे जहां पे भी आप रहते हो, आपने देखा होगा ना एकदम भर भर के डेली की डेली सब्जियां फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो इतने फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, बिकॉज ऑफ द इथाइलिन हार्मोन। क्योंकि ऐसे फाइटो हार्मोन्स, ऐसे प्लांट हार्मोन्स को ही हम प्रोवाइड करा के क्या कर सकते हैं, फ्रूट की रैपिडली राइपनिंग कर सकते हैं, जल्दी से हम उनको पका सकते हैं। इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट में जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जल्दी से पकाने के लिए, जल्दी से खाने योग्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन फाइटो हार्मोन्स का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इथाइलिन की, तो इथाइलिन मेनली किस में रोल प्ले करता है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की ग्रोथ को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के राइपनिंग को भी स्टिमुलेट कर रहा है, उसमें भी हेल्प कर रहा है फ्रूट राइपनिंग में, और फ्रूट्स की ग्रोथ को भी क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। फ्रूट्स के आपने इसको प्रोवाइड करके आपने फ्रूट्स की रैपिडली क्या करा दी, ग्रोथ करा दी, और फिर वो उसकी वजह से वो क्या हो गया, जल्दी से राइपनिंग हो गया, तो क्या हो गया, खाने योग्य हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि आजकल जो भी प्लांट हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स है, उनको भी प्रोवाइड करा के क्या किया जा रहा है, फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी राइप किया जा रहा है। पढ़ लिया इथाइलिन के बारे में, अब हम बात करते हैं एब्सेसिक एसिड के बारे में, जो कि अपना लास्ट प्लांट हार्मोन है, सेकंड इज द एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, जिसको हम एबीएसी भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एब्सेसिक एसिड की, तो अगर हम बात करें एब्सेसिक एसिड की, तो ये कैसा हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ग्रोथ रिटार्डेशन हार्मोन,
रिटार्डेशन जो ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, मतलब स्टॉप कर दे, इनिबिट कर दे। एसिटिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है या एक ग्रोथ रिटार्डेशन हार्मोन है। अब हम बात करते हैं आगे एसिटिक एसिड के बारे में। तो एसिटिक एसिड है मेनली वो स्टिमुलेट होता है, इट स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेस कंडीशन, इट इज स्टिमुलेटेड बाय मतलब जब स्ट्रेस कंडीशंस आती है एनवायरनमेंट में तब ये क्या होता है एसिटिक एसिड स्टिमुलेट होता है प्लांट में, मतलब अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है, अपना रोल प्ले करना, अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। कब? इट स्टिमुलेटेड बाय एसिटिक एसिड की बात कर रही हूं मैं, एसिटिक एसिड स्टिमुलेटेड बाय एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशन में जैसे फ्लड आ गया या कोई भी ड्राफ्ट आ गया, सूखा वगैरह, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई, मान लो कोई भी ड्राफ आ गया, फ्लूड आ गई ठीक है, या कोई भी वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई, ठीक है, कोई भी वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन में ये क्या है? एडवर्स कंडीशंस है। एडवर्स कंडीशन है, इनके दौरान क्या होता है मेनली एसिटिक एसिड स्टिमुलेट होता है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, अपने आप को स्टिमुलेट करता है। एडवर्स कंडीशंस के दौरान जैसे कोई भी सूखा पड़ गया, कोई भी बाढ़ आ गई, वाटर लॉगिंग कंडीशन, कहीं पे पानी भरा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है ये मेनली अपने आप को स्टिमुलेट करता है इन स्ट्रेस कंडीशन के दौरान, इन एडवर्स कंडीशन के दौरान, इसको हम स्ट्रेस कंडीशन भी बोल सकते हैं। इसलिए इन स्ट्रेस कंडीशंस के दौरान ही ये अपने आप को स्टिमुलेट करता है, इसलिए हम एसिटिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशंस एडवर्स कंडीशन के दौरान ही अपने आप को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, इसलिए हम एसिटिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या हार्मोन बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली ये किस किस में रोल प्ले करता है। तो ये मेनली अब जो जिबलिन था वो तो क्या कर रहा था, सीड को जर्मिनेट करा रहा था, जो डोरमेंसी थी सीड की या फिर बड की उसको क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। लेकिन ये क्या करता है, अब स्ट्रेस कंडीशन है, अब उनको प्रॉपर वॉटर ही नहीं, मतलब कहीं पे सूखा पड़ गया तो उनको प्रॉपर वॉटर नहीं मिल रहा, कहीं पे फ्लड की कंडीशन हो गई, बाढ़ आ गई तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, वॉटर के साथ वो सोयल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो उसके साथ मिक्स होके क्या कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं, मतलब वो बह रहे हैं वहां से, ठीक है। तो क्या है, अब एसिटिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, अब वो स्ट्रेस कंडीशन में है तो उसके लिए मतलब किस किस कंडीशन में वो अपने आप को, कौन कौन से इफेक्ट्स है वो जो मेनली प्लांट में रोल प्ले करता है। तो जैसे जिबलिन हार्मोन था वो मेनली डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये क्या करता है, इट कॉजेस डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स एटसेट्रा, सीड्स वगैरह में, बर्ड्स वगैरह में ये डोरमेंसी को क्या करता है, कोज मतलब लेके आता है। जिबरलिन तो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, जो डोरमेंट कंडीशन थी, इनएक्टिव स्टेट थी सीड की, जहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं था, जहां पे जर्मिनेशन नहीं था, उसको जर्मिनेट करा रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, उस डोरमेंसी को प्रमोट करता है, मतलब सीड को इनएक्टिव स्टेट में ही रहने देता है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उसमें, कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा। जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो कहां पे, कहीं पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो वहां पे प्लांट कैसे अपने आप को ग्रो करा सकता है, कैसे सीड जर्मिनेट कर सकता है स्ट्रेस कंडीशन में, नहीं कर सकता। तो एसिटिक एसिड मेनली क्या करता है, सीड्स में या फिर बर्ड्स में डोरमेंसी अकर करता है, डोरमेंसी स्टेज लेकर आता है। आया आपको समझ में? अब हम बात करते हैं कि ये कहां पे सिंथेसिस होता है और मेनली ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये मेनली कहां पे सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मेनली इन लीव्स, ये अपना सिंथेसिस मेनली कहां करता है, लीव्स पत्तों में, और वहां से फिर ये पूरे प्लांट में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स से ये अपने आप को, मतलब एसिटिक एसिड मोटाइल है, मूव कर सकता है प्लांट में, तो
तो ये लीव्स में तो मेनली सिंथेसिस होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, और वहां से फिर ये पूरे प्लांट में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, फिर टू होल प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है अपने आप को बाय फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू. मैंने बताया था ना, जाइलम किसके लिए? वॉटर के लिए. फ्लोएम किसके लिए? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, तो सिंथेसिस कहां होता है? मेनली लीव्स में, और अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर पार्ट्स में, जैसे कि उसकी स्टेम में, उसकी रूट्स में, अदर उसकी एपिकल पोर्शन में, उसके अदर टर्मिनल ब्रांचेस में. अपने आप को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा. और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया ये मेनली डोरमेंसी को अकर करता है. उसके अलावा ये किसमें रोल प्ले करता है? उसके अलावा ये रोल प्ले करता है एब्सिशन में. जैसे इसके नाम से आप याद रख लो एब्सिसिक एसिड, तो ये किसमें रोल प्ले करेगा? एब्सिसिक, एब्सिशन में. एब्सिशन में एब्सिशन को क्या करता है? मेनली प्रमोट करता है. एब्सिशन का मतलब होता है प्लांट से उसके लीव्स, उसके फ्रूट्स, उसके फ्लावर्स क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना, मतलब टाइम से पहले टूटकर नीचे गिर जाना. उनको ही हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिंग कंडीशन, एब्सिसिंग कंडीशन. मतलब एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, तो मतलब फ्रूट्स वगैरह जो उसके लीव्स वगैरह है या फिर उसके जो फ्लावर्स वगैरह है उसको क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है किससे? प्लांट से. तो हम एब्सिसिक प्रमोशन में लिख सकते हैं प्रमोट सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट. प्लांट से क्या कर देता है? मेनली सेपरेट कर देता है लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स वगैरह को, इन सबको क्या कर देता है? प्लांट से सेपरेट कर देता है. कौन? एब्सिसिक एसिड. उसके अलावा ये मेनली किसमें रोल प्ले करता है? अगर हम वो देखें तो एब्सिसिक एसिड मेनली रोल प्ले करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स रूटिंग इन मैनी स्टेम कटिंग्स. जैसे कि काफी स्टेम वगैरह कट हो गई, तो उसकी जो रूट्स वगैरह है उनको भी क्या करता है? मेनली ये प्रमोट करता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, ताकि उनमें रूटिंग इजीली हो सके. ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड के ये क्या थे? कुछ फंक्शंस थे. एब्सिसिक एसिड को हम मेनली स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं. तो आज हमने पढ़ा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में. आज अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स खत्म हो गया. इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस या फिर इन एनिमल्स, कि ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. जैसे प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट्स में ना ही तो नर्वस सिस्टम होता, ना ही एंडोक्राइन जैसा कोई सिस्टम होता, ना ही मस्कुलर सिस्टम होता. तो इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा हुआ? फाइटो हार्मोन्स के द्वारा या फिर प्लांट हार्मोन्स के द्वारा. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली किसके द्वारा होता है? या तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, और सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम या फिर जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इतना ही. थैंक यू सो मच.